अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो। चार वर्ल्ड चैंपियन टीमें T20 वर्ल्ड कप 2024 से लगभग बाहर हो चुके हैं। इससे बड़ी जिल्लत इनके लिए क्या हो सकती है। दो वो टीमें हैं जो वर्ल्ड कप का फाइनल खेली थी, यानी कि डिफेंडिंग चैंपियन भी शामिल है और रनर अप भी शामिल है इस कारनामे में, श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। इनको जिल्लत उस वक्त महसूस होगी जब यूएसए, अफगानिस्तान और बांग्लादेश उधर ड्रैग क्वालिफाई करके बैठे होंगे और इनको यानी कि क्वालिफायर खेलने पड़ेंगे 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए जो इंडिया और बांग्लादेश में होना है। इनको एहसास उस वक्त होगा, इनके भी इस वक्त यही हालात हैं कुछ जो इस वक्त पाकिस्तान में गर्मी के हैं। टीमों के यही हालात हैं इन चार टीमों के। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड सिंगल विक्ट्री के लिए जूझ रहे हैं। 36 पे 5 आउट करने के बाद न्यूजीलैंड ने 149 करवाया है, ये आपको याद होना चाहिए। ये इनकी जिल्लत है इस वक्त। पाकिस्तान के हालात आपके सामने। इंग्लैंड जो है वो भी एक जीत की तलाश में है। अगर अगले दो मैचेस अच्छे रन रेट से जीतता है तो इंग्लैंड क्वालिफाई करेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो स्कॉटलैंड को हराएगा, तो ऑस्ट्रेलिया तो हरा देगा स्कॉटलैंड को, लेकिन इंग्लैंड को अच्छे मार्जिन से दो मैचेस जीतने पड़ेंगे तभी इंग्लैंड का काम बनेगा। न्यूजीलैंड ऑलमोस्ट आउट है, पाकिस्तान भी तकरीबन, जो हालात हैं इस वक्त वो एक आपकी डिफरेंट स्टोरी है। कुदरत का निजाम ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन जो रियलिटी है वो है, एक भी मैच धुल गया तो पाकिस्तान का काम तमाम हो जाएगा। इसके अलावा जनाब अगर बात करें तो श्रीलंका आउट हो चुका है, 3 मैचेस गुजर गए, 1 पॉइंट है, ऑफिशियली आउट है श्रीलंका। वर्ल्ड चैंपियन है श्रीलंका, 2014 के T20 वर्ल्ड कप का पाकिस्तान ने, 2009 का वर्ल्ड कप जीते हुए इंग्लैंड ने, 2010 और 2022 का T20 वर्ल्ड कप जीते हुए न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुई है। तो ये चार वर्ल्ड चैंपियन टीमें T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो सकती हैं। अपडेट्स अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।